दोस्तों, मैं हूं विद्या। स्वागत करती हूं आपका आप ही के चैनल में, जिसका नाम है किड स्टेशन फॉर फन एंड लर्निंग। आज की हमारी कहानी है जादुई पेड़। देवनगर नाम का एक छोटा और बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में दो बहनें रहती थी, बड़ी थी रिया और छोटी थी दिया। रिया जो बड़ी बहन थी वो स्वार्थी एवं अहंकारी थी, और दिया जो छोटी बहन थी वो निस्वार्थी और परोपकारी थी। रिया हमेशा दिया से सब काम करवाती थी, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, खाना पकाना। दिया सब काम खुशी से करती थी। रिया दिया के खिलौने भी छीन लेती थी। दिया को बहुत सारे दोस्त थे, उसे उनके साथ खेलना, उनकी मदद करना अच्छा लगता था। और रिया इन सबके खिलाफ थी, उसको अकेले ही रहना पसंद था। एक दिन हमेशा की तरह दिया जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। लकड़ियां इकट्ठे करते करते वो बहुत दूर आ गई। तभी उसने एक आम का पेड़ देखा। दिया पेड़ के पास जाते ही पेड़ से एक आम गिर गया। वो बहुत खुश हो गई। वो आम लेकर घर पहुंच गई। रिया ने झट से दिया के हाथ से आम छीन लिया और खाने के लिए वो उसे काटने लगी, पर वो आम कट ही नहीं रहा था। उसने आम की तरफ देखा तो वो सोने का था। रिया खुशी से पागल हो रही थी। उसने दिया से पूछताछ की और आम के पेड़ का पता लगाया। दूसरे दिन का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन रिया ठीक उसी जगह पहुंच गई। उसके जाते ही पेड़ से एक आम गिर गया, पर रिया उससे खुश नहीं थी। वो राह देख रही थी कि और ज्यादा आम गिरे। उसने कुल्हाड़ी हाथ में ले ली। तभी पेड़ ने उसे विनती करके बोला, मेरी डालियां मत तोड़ना, मैं और एक आम देता हूँ। पर रिया का लालच तो बढ़ गया था। उसने पेड़ को बोला, मुझे सभी आम अभी चाहिए, वरना मैं डालियां तोड़ देती हूँ। रिया का लालच देख के पेड़ को गुस्सा आया और उसने रिया पे जोर जोर से जादुई कांटे फेंकना शुरू किया। थोड़ी देर रिया को कुछ समझ नहीं आया। बाद में वो चोट की वजह से रोने लगे। इधर दिया अपने बड़ी बहन की राह देख रही थी। शाम ढलने ही लगी थी। दिया बहुत चिंतित थी। वो रिया को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। उसी पेड़ के यहाँ आ गई। उसने देखा रिया जोर जोर से रो रही है। दिया ने तुरंत ही उसके शरीर से वो जादुई कांटे निकालना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद सभी कांटे निकाल दिए। उसने रिया से क्या क्या हुआ वो जान लिया। रिया की गलती समझने के बाद दिया ने पेड़ से हाथ जोड़ के माफी मांग ली और रिया से भी माफी मंगवाई। उसने पेड़ से कहा, पेड़, पशु, पक्षी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, हमें उनकी देखभाल के साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। लालच की वजह से रिया से जो गलती हुई उनके लिए हमें माफ कर दीजिए। पेड़ ने दिया की समझदारी देख के दोनों को माफ कर दिया और उनको बहुत सारे आम दे दिए। सो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच एक बड़ी बुरी बला है। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe our channel.